उस लड़की को मैंने मैसेज किया और उस बंदी ने मैसेज को देखा और उसके बाद में सीन करके उसको छोड़ दिया। मतलब एटीट्यूड दिखा रही है बंदी, भाई तुम्हारी गलती ही है यार कि मतलब तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो कि मतलब वो तुम्हारा मैसेज देख करके रिप्लाई नहीं कर रही और तुम समझ रहे हो एटीट्यूड है। अरे मेरे भाई, मैंने आपको इसकी वजह भी बताई है कि लड़की क्यों रिप्लाई नहीं करती है, तो आप चाहो तो जान सकते हो। अब भाई आपको करना क्या है, लड़की मैसेज सीन कर रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है, अब आपको करना क्या है, आज मैं इस वीडियो में वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो भाई शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली दिक्कत है, सबसे गलती होती है आपकी, वो आप ये बन जाते हो, मतलब सबसे पहले ही अंग्रेजी है, हेलो फलाना ढिकाना, ये हुआ वो हुआ, माय नेम इज धकाना धमाका, जो भी बोलते हो आप ये सब बोलने लगते हो, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड मैसेज क्या होता है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो HLW, हेलो, मतलब जैसा भी आप। उसके बाद में हाय। अबे भाई ये ज़माना गया, मतलब जब इस चैटिंग स्टार्ट हुई थी फेसबुक में तब ये सब भेजते थे, हाय हेलो ये फलाने का ना। अब आपको कुछ अलग बोलना पड़ेगा, मतलब अलग कि ख़तरनाक सा, मतलब जिससे वो लड़की थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो, एक मतलब क्या बोलते हैं लोग, क्वेश्चन टाइप का बोलना है। और वो क्वेश्चन मतलब आपका ही होना चाहिए, ना कि किसी वेबसाइट का हो कि गूगल गूगल पे आप जाओ ढूंढ लो। गूगल पे क्या करते हो कि दूसरों की डायलॉग बाजी होती है, उसे आप उठा लेते हो। यहाँ पे यूट्यूबर्स मैंने भी बता दिया आपको, दो चार यूट्यूबर्स ने और बता दिया कि भाई एक काम करो, ये डायलॉग मार दो कि ये फलाना ढिकाना तुम स्वीट हो, ये हो वो हो, और लड़की तुरंत रिप्लाई कर देगी। अरे भाई ये वो लड़कियाँ होती हैं जो मतलब कि डायलॉग्स की भूखी होती है, जो तारीफ की भूखी होती है। आपको चाहिए एक बढ़िया सी मतलब हाई फाई लड़की से रिप्लाई करवाना है। अब आपके लिए तो हाई फाई है ही ना वो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना बंद कर दो। आप एक मैसेज करो बढ़िया सा कि वो लड़की देखे और बिना रिप्लाई करे रह ना पाए। अब ऐसा कि मतलब किसी की कोई और डायलॉगबाजी नहीं उठानी है, क्योंकि भाई आमतौर पे उसके जो आप भेज रहे हो ना, उससे पहले भी यहाँ पे कुछ और लौंडे होते हैं जो कि यही वीडियो देख करके जाते हैं और यही चीज़ उस लड़की को बोलते हैं, और आप वो लास्ट में बोलते हो थर्ड नंबर या चार नंबर पे। तो इसलिए आपको दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने खुद के बनाओगे तो भाई वो कहाँ से लेके आएंगे। ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है भाई, वो ये है कि आप लोग जो है मैसेज में हेलो लिखा, उसमें इमोजी लिख दिया, मतलब इमोजी भेज दिया। अब वो बंदा हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, टांग हिला रहा है। अब वो लड़की पहले ही समझ जाती है यार ये तो लोलू टाइप का है, मतलब तुरंत ही इमोजी, हर बात पे इमोजी। आप एक काम कर सकते हो, डॉट 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 करके लिख सकते हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा काम आती है, वो अट्रैक्टिव सी लगती है। तो भाई उससे आपको ये दिखता है कि मतलब हाँ आप सही क्लास के बंदे हो, आप हाई फाई क्लास के बंदे हो और आप अच्छे खासे दिखने वाले हो, तो आपकी मतलब स्मार्टनेस उस टाइप में दिखती है। अब भाई आपको जो बोलना है कि मतलब अगर वो लड़की है आपसे बात करने लगी है, तो आप उसकी मतलब जैसे कि अगर करने लगी है तो आप अच्छा खासा उसका नाम ले सकते हो। अगर नहीं भी कर रही है तो आप हेलो मतलब कि हेलो सेनोरिटा फलाना डिबिटा कुछ भी लिख सकते हो, जिस जो उसका नाम हो, जो उस प्रोफाइल में लिखा हो वो लिख सकते हो, हेलो करके उसके आगे वो उसका नाम लिख दो, या फिर मैं तुमसे ये बात पूछूँ सेनोरिटा तो ये चीज़ बोल सकते हो। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट वाला है, जब वो लड़की कंफर्टेबल हो जाए ना, तो मतलब सीन क्या हो जाता है कि आप लोग ये समझ रहे हो कि ये सब बता दिया तो मतलब ये डायलॉगबाजी तो पहले कोई भेजता ही नहीं, आप पहले खुद बता दो कि डायलॉगबाजी कब करो। तो भाई डायलॉगबाजी आपको तब करना है जब वो लड़की कंफर्टेबल हो जाए, जब आप उसको आपको लगने लगे कि हाँ चलो ठीक है अभी लड़की अच्छे से बात करने लगी है, जब मैं इसे मैसेज करता हूँ तो रिप्लाई करने लगी, तब आप थोड़ी बहुत डायलॉगबाजी कर सकते हो और उसे और ज़्यादा इंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद में भाई सबसे बड़ी गलती है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल क्या हो गई, आपने क्या बोला एक काम कर अपना व्हाट्सअप वाला नंबर निकाल दे, अब भाई इतनी सी बात पे आपको ब्लॉक करके कल्टी मार लेगी। तो भाई यही हरकतें होती हैं जो आप करते हो, उसके बाद में लड़की आपको ब्लॉक मार के चली जाती है। तो जहाँ तक आप भी ऐसी हरकतें मत करो, जहाँ मतलब कि कितनी भी कोशिश करो तो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। और अगर इतना सब कुछ आप फॉलो करते हो तो भाई लड़की आपको पक्का का पक्का रिप्लाई करेगी, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना यकीन हो ना विश्वास हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ मैंने भी ट्राई की और कई और लोगों को भी ट्राई करवाई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार फिर आप तो मेरी जान हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर इस चैनल पे नए हो, और ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आती रहेंगी। तो बाय बाय।